लो गाइस, देयर आर दोस रिपीट्स। लास्ट टाइम इनको व्लॉग में भी देख, कौन से वाले को लेकर आते लास्ट टाइम आप? ब्रिंडल वाली, ये फीमेल है 8 मंथ की। गाइस ड्यू की स्पीड देख रहे हो? ओ ओ भाई, इसका नाम है, इसका वैसे रियल ड्यू। हाय ड्यू, हम बचपन में बहुत डरता था, तो हमने डर के आगे जीत है वो। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ट्रॉफीज भी पड़ी है गाइस इनकी। ये सारी की सारी मतलब ऑलमोस्ट विपिट्स के लिए ही जीती हुई है सर, राइट? यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसी ब्रीड दिखाने वाला हूँ जो आज तक शायद किसी लोगों ने दिखाई हो, वो ब्रीड है विपिट। तो विपिट के बारे में मैं अभी योगेश भैया हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, उनको मिलने वाला हूँ और वो आपको उनके बारे में बताएंगे। और पीछे से आप नॉइज सुन सकते हो यार, यहाँ पर ना मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ कबड्डी कप चल रहा है, मतलब जो एंकर है ना वो गला फाड़ फाड़ के एंकरिंग कर रहा है। तो ज़्यादा समय लेते हैं, इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और अगर हाँ ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ योगेश जी के यहाँ, और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ योगेश जी से। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं सर को मिला था लास्ट टाइम पंचकूला डॉग शो, इफ़ आई एम राइट सर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम जब हम सर से मिले थे, तो उस टाइम सर ने अपने विपेट जो ब्रीड सर आप उस टाइम वहाँ पर आपको आप लेकर आए थे, और उस टाइम हमने प्लान किया था कि सर चंडीगढ़ के ही रेजिडेंट्स हैं, और तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक व्लॉग सर के साथ बनाएं। तो सर आप बैठिए प्लीज, हैव अ सीट। ओके, तो सर आप अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो स्पेशली इस व्लॉग के बारे में, तो ये व्लॉग मैंने लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक ऐसी ब्रीड दिखाने वाले हैं जो इंडिया में है बट नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, राइट? उसका नाम है विपिट। तो विपिट ब्रीड, पहले तो क्या ब्रीड है उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए, और साथ ही साथ आपका, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि आप ये बताइए कि आपने विपिट ब्रीड क्यों रखी, आपका क्या रीजन था उनको बताने का? जैसे आपने देखा कुलकित जी कि मेरा एक छोटा सा घर है, नहीं ठीक है, छोटा सा घर है, और इसके अंदर मेरे को, मैं सुलूकी लेके आया था, मेरे पास सुलूकी भी है, मगर सुलूकी एक सुलूकी ने पूरा पोर्शन घेर, मतलब वो बैकयार्ड है तो उसमें एक सुलूकी से ज़्यादा हम डॉग्स नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, समाओ उन्होंने बताया पुणे से है वो, तो उनके पास 15-20 सुलूकी रखे हुए हैं। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि अब उसके नेबर में एक मीडियम साइज डॉग है, उसको विपिट बोलते हैं। तब मैंने विपिट की थोड़ी सी रिसर्च करनी शुरू की, तो मुझे उसकी बात भी ध्यान में रही और मुझे लगा कि यह डॉग मेरे घर में सुटेबल है, मैं 2-3 डॉग्स रख सकता हूँ और इजी टू अफोर्ड भी, अफोर्डेबल भी है। तो बस तब उसके बाद 2011 में मैंने अपना फर्स्ट डॉग लाया था, अच्छा, मिस्टर मिनाज कासिम है, उनको पूना में, ओके, और उनको ब्रीडिंग करते करते डॉग्स ब्रीडिंग में उनके पास डॉबरमैन, लैब्राडोर और विपिट्स, ओनली 3 ब्रीड्स हैं। तो उनसे 2011 में मैंने, तब मैंने 70,000 रुपीज, एक 10-11 साल हो चुके हैं मतलब विपिट्स आपको रखते, सिर्फ विपिट्स रखते ही रखते। क्या बात है। तो अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने विपिट्स लेके आए, और बाकी विपिट के बारे में जब वो विपिट्स आ जाएंगे आपको दिखाएंगे तो उसके बारे में बातें होंगी, उनको बाहर भी लेके मिले। लो गाइस, देयर आर दोस विपिट्स। लास्ट टाइम इनको व्लॉग में भी देख, कौन से वाले को लेकर आए थे लास्ट टाइम आप? ब्रिंडल वाली, ये फीमेल है 8 मंथ की। वाओ, ये मेरा बेस्ट इन शो विनर डॉग है। हाँ हाँ, इसके बॉम्बे वगैरह साइड पे काफी विन किया इसने। वाओ, तो ये एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं, ये बेस्ट पपी भी रहा है अपने बचपन में। कितने टाइम का हो गए ये? 5 इयर्स का है। वाओ, देख रहे हो क्या ब्रीड है यार ये। अमेजिंग, मतलब मैं बहुत टाइम से इस ब्रीड को कवर करना चाहता था, आई एम ग्लैड कि मेरे को सर से मिलना हुआ, और चंडीगढ़ में ये ब्रीड है ये चीज़ देख के भी बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ वाले लोग जो भी अगर आस पास से या नॉर्थ साइड में इस ब्रीड को जानना चाहते हैं या इस ब्रीड के बारे में और जानना चाहते हैं, वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा सर के। हेलो, क्या नाम है इसका? इसका नाम है, इसका वैसे ड्यू। ड्यू, हाय ड्यू। हम बचपन में बहुत डरता था, तो हमने डर के आगे जीत है वो। ओए, ये अभी भी डरता है, काम तो ये अभी भी रहा है। वो थोड़ा सा आप न्यूली एक नए आदमी से मिल रहे हैं तो थोड़ा सा शिवरिंग करते हैं ये डॉग। हेलो, अब डॉग शो में जाएगा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम अप्रैल है। अप्रैल, वेलकम अप्रैल। अब तो इसको गोदी में भी ले सकते हैं, ये हल्के लाइट है जी। 15 केजी फीमेल का वेट होता है,
डॉग का वेट होगा 15 टू 20 केजीज और फीमेल भी इतना 15 केजीज मैक्सिमम 15। तो इनको मतलब बॉल बॉस क्या डाइट में क्या देते हैं सर? चिकन, एग्स, ओके, मल्टीविटामिन्स ऐड करता हूँ, कैरेट्स हो गई, पम्पकिन हो गया, सब कुछ इनकी डाइट में जाता है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ट्रॉफीज भी पड़ी है गाइस इनकी, ये सारी की सारी मतलब ऑलमोस्ट विपिट्स के लिए ही जीती हुई है सर, राइट? अप्रैल की विन की हुई है। हाँ, ये अभी बेस्ट इन शो लग के आए थे देहरादून के अंदर। वाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी इनकी ट्रॉफीज पड़ी हैं। और सर इनको फिर अभी हम बाहर ग्राउंड में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कितने एक एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ये एवरीडे। चलो भाई चलो, अब आपके साथ प्यार मांग रहा है, अब हो गया ना फ्रेंडली। अब आप देखेंगे ये शिवर करना बंद कर चुका है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही रहता है इसको। इसकी इनकी बॉडी शेप देख रहे हो यार आप, ये जैसे मतलब बेसिकली ये अगर हम देखा जाए तो ये एक आर्मी डॉग्स जैसे आज के टाइम में हम हाउंड्स लाते हैं उसी टाइप की है, राइट? चलो चलो ओ भाई, वो गाइस ड्यू की स्पीड देख रहे हो? ओ ओ भाई गायब हो गया भाई, हाथ में। अरे भाई ओ भाई, इसको हम पटियाला शो, इसको पटियाला शो पे इसकी एंट्री डालेंगे। ओ देखो, ओ देखो, डर रही है। नहीं, वो उस तरफ पटियाला शो कब है? ओके सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं उधर से ड्यू, ड्यू ना इतना तेज है मतलब कितना ही तेज आप सोच सकते हो। अभी वीडियो में शायद आपको पता लग गया हो कि वो सामने स्ट्रीट डॉग्स खड़े हैं, मतलब भागता हो गया, उनके साथ पंगा लेके वो वापस भी आ गया और वो सारे देखते के देखते रह गए, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। ओरिजिन 19th सेंचुरी में हुआ था इंग्लैंड में। ओके, और उस टाइम में जो इंग्लैंड में लॉर्ड्स वगैरह मतलब आपको पता ही है लॉर्ड्स होते थे, वो ग्रेहाउंड रेसिंग करते होते थे। हाँ, तो ग्रेहाउंड रेसिंग करते थे, तो वहाँ जो फार्मर्स वगैरह थे उनको एंट्री अलाउड नहीं होती थी। एंट्री ना अलाउड होने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे पास कोई डॉग नहीं है, तो उन्होंने एक टेरियर, इटालियन ग्रेहाउंड और इंग्लिश ग्रेहाउंड को मिक्स करके एक ब्रीड बनाई, उसको दिया विपेट नाम। और इंग्लैंड में इसको ये भी बोला जाता है पुअर मैन डॉग। अच्छा, इसका एक सेकंड नेम है पुअर मैन डॉग। ओके ओके, नहीं बट ये ब्रीड मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये ब्रीड एक मतलब हाउंड्स के उसमें ही आ जाते हैं कैटेगरी में, राइट? ये हाउंड्स में ही आते हैं, मगर हाउंड्स में भी जैसे सेंट हाउंड हो गया, डैश हाउंड अलग हो गया, और ये आता है साइट हाउंड में। ओके, अलग अलग कैटेगरी अलग होगी, कैटेगरी अलग है, क्योंकि इसमें भी वैरायटी, हाउंड्स में भी आगे वेरिएशन आ जाती है। फाइन, तो अगर हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है जो इनको और ब्रीड से अलग बनाता है? सर इसका बॉडी स्ट्रक्चर का एक है कि ये सेमी एस बनता है। हाँ, सेमी एस बनता है, एस बनेगा, ये जो आर्च आती है ठीक है, ये इसका पीछे की लेग्स को सपोर्ट देती है आगे भागने के लिए। ये जब इसने रेसिंग करनी है तो ये इसकी ये लाते इसको क्रॉस कर जाती है, और ये लाते तो आगे को बिल्कुल ही। तो डॉग शो में अगर हम इनको लेके जाते हैं, जैसे स्पीड को आप लेके गए हैं, तो डॉग शो में इसका जजिंग क्राइटेरिया सेम ही है या इसको इसकी वॉक के हिसाब से ही है? क्योंकि इसकी वॉक देखते हैं, एंगुलेशन देखते हैं, अलग अलग मतलब ये दूसरी ब्रीड से थोड़ा सा बहुत अलग है, तभी मैं जानना चाहूँगा कि इसका जजिंग पैरामीटर क्या होता है। जजिंग पैरामीटर वही है कि इसका नेक कैरेज, इसकी स्टैक ये परपेंडिकुलर होना चाहिए जी, और ये प्रॉपर आर्च होनी चाहिए। हाँ, कई डॉग्स एकदम स्लांटिंग में आ जाते हैं, वो भी होता है विपेट में कई कंट्रीज में, मगर जो हमारा केसी यही कहते हैं दैट शुड बी अ डिफरेंट एक रूल अलग से उनका। तो ये बेसिकली रजिस्टर्ड ही है ब्रीड केसीआई या और भी जितने भी कैनल क्लब्स आज के टाइम में बन गए उनके अंडर, राइट? ये बेसिकली रजिस्टर्ड ब्रीड है। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब पर्सनली एक एज अ पेट ओनर, मतलब नॉट एज अ ब्रीड को आगे ले जाने वाला, बट एज अ पेट ओनर इस ब्रीड के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा है? कि मतलब फ्रेंडली है, क्योंकि बहुत ब्रीड्स होती हैं कि ऐसे रिलेशनशिप बॉन्ड नहीं बन सकता उन ब्रीड के साथ इतना खास, तो आपका इन ब्रीड के साथ कैसा रहा है आपका ब्रीड? अभी तक मेरा जो रहा है बढ़िया ही रहा है इनके साथ, मतलब फ्रेंडली समझदार है, फैमिली डॉग्स हैं, इनको आप किसी फार्म हाउस पे रख दिया और इनकी केयर नहीं हुई तो ये बस ये नहीं वो। हाँ ऑब्वियसली बच्चों के साथ रह सकते हैं, राइट? ये बच्चों के साथ फैमिली डॉग है बस, ये बिल्कुल अच्छा कंप्लीट फैमिली डॉग, इन्होंने
रात को आपने देखा होगा मेरा एक बीन बैग पड़ा है, हाँ हाँ, एक मेरे पास पीछे भी पड़े हैं दो, हाँ हाँ, ये तीन विपर्स तीनों अपने बीन बैग पे रात को बीन बैग पे सोते हैं, ये सही है यार। एक्चुअली मेरे बेड पे अलाउड नहीं होता तो ये तो पहले तो बेड पे ही सोते थे, आफ्टर मैरिज थोड़ा सा हो गया। अच्छा तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा भैया कि इसमें और कौन कौन सा, जैसे ये ब्रिंडल कलर है, इस कलर को हम क्या कहते हैं? इसमें इसमें ये फॉन विद व्हाइट मार्किंग है, ओके, इसमें ब्लैक भी आ जाता है, प्योर ब्लैक भी आ जाता है, प्योर ब्लैक भी आ जाता है, ब्लू कलर भी आ जाता है। वाओ, इसमें कलर की कोई वो नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सारी कलर, हाँ जी, कलर कॉम्बिनेशन, हाँ जी। और जो हम मैंने जब फर्स्ट विपेट लाया था, जब मैंने आपको बताया था कि मिस्टर मिनाज कासिम जो पूना से हैं जी, उनके पास रिवर्स ब्रिंडल भी है, ओके, मतलब नीचे के फॉर्म ऊपर को है, उसे वाइट भी है, उनके पास वाइट भी उन्होंने रखे थे, मतलब प्योर वाइट नहीं, हाँ हाँ, क्रीम सा कलर, क्या बात है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर किसी ने रखना है डॉग विपेट, हाँ, तो पूरा एक स्टडी करके रखिए, पॉइंट स्टडी कर, मतलब कि इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए बंदे को, हाँ, ये नॉर्मल बीड्स की तरह नहीं है कि दूध रोटी पे पल जाएगा, हाँ, इसको मल्टीविटामिन, इसको फूड बूस्टर्स, इसको सारा कुछ दूसरा होगा, बहुत कुछ देना पड़ता है। तो आपके पास इस इन दो डॉग्स के अलावा और कौन सी ब्रीड है? मेरे पास एक लैब्राडोर है, हाँ हाँ, वो मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट किया था, मिस्टर मिनाज कासिम जी ने, अच्छा अच्छा, तो वो रखा हुआ है, जैसे एक दिखाते हैं उसको भी, दिखाते हैं वीडियो में, और उसके बाद फिर हम वीडियो करते हैं। तो ये देख रहे हो, इनको अगर आप सुबह सुबह घुमाने ले जाओगे, जब आप इस ब्रीड को अगर कोई रखना चाहेगा या कोई रखेगा या सर ने रखा हुआ है, तो ऐसी फील आती है, गदर गजब है ना, किसी के ऊपर एक बार छोड़ दो, भागता है, भागता इतनी तेज है, डर लगता है कि कहीं आके अपने से ना टक्कर हो जाए हमें तो घेरेगा शायद, अपने आप को भी घेर ही ले गए। ये देख रहे हो गाइस, ये इनके लिए ना ये हाइट बहुत मजाक है, ये जो अप्रैल नहीं सॉरी जो ड्यू है वो इतनी ऊंची हाइट तो इतनी ऊंची हाइट से जम तो कर ही लेता है वो। ओए हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ब्रीड है, मेरा पर्सनली पहली बार इस ब्रीड के साथ मेरा कोई ऐसे एज सच मिलना हुआ है, बट बहुत अमेजिंग ब्रीड है गाइस। अरे 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 अरे, देखो कौन आया, कौन आया, दरवाज़ा बंद कर देते हैं गाइस। और ये कितने टाइम का है? ये 8 इयर्स का होगा। अरे यार, ये लगता तो नहीं, जिस हिसाब से इसकी एक्टिविटीज है 8 इयर्स का, ये बहुत अभी है ना, जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं, बहुत प्यारा, डाउन, रिलैक्स, ये थोड़ी शांत हो रहा है, हाँ बड़ा फ्रेंडली है। अरे 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 अरे, अरे नो 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 ओए 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 ओए, कम कम, वाह क्या एक्टिविटीज है, आपको नहीं लगता ये 8 ईयर से मतलब सिर्फ कहने कहने का है ना, वही इतनी एक्साइटमेंट 8 ईयर के डॉग में, हाँ जी, इतना हाइपर एक्टिव है, हाँ, अभी भी इस एज में तो ये अभी इस एज में भी आपको तंग तो करता ही होगा नहीं, अब थोड़ा पहले बहुत ज्यादा था, हाँ, मगर अब ये थोड़ा सा आराम से मतलब, अरे अरे अरे, बस 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 बस, आपको बताया कि नई बांधे को देखते पकड़ना 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 बेबी, हाँ क्या बात है, अरे अरे करवा देते हैं दिन में आपको तीनों, है ना, पतला फिर नहीं हो पा रहा ना वाह, सो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, एंड थैंक यू, आई होप आप ऐसे ही विपेट्स और भी लाते रहे और अलग अलग ब्रीड लेकर आते रहे, और मेक श्योर भैया को फॉलो करना, भैया आके सारे जितने भी लिंक्स वगैरह या नंबर वगैरह भैया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू जी, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग शोज, थैंक यू।